अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नादिर नदीम एंड थैंक यू फॉर दोज हु आर विद मी एंड हु आर सब्सक्राइबिंग मी। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड देन वॉच माय वीडियो। ओके, सो फॉर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केमिस्ट्री पार्ट वन एंड पार्ट टू के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। बिफोर गोइंग टुवर्ड द केमिस्ट्री पार्ट वन पार्ट टू, लेट मी टेल यू समथिंग इंपॉर्टेंट। ईच एंड एवरी चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एमडी कैट, बट व्हाई आई एम हियर जस्ट टू टेल द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर्स। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जब मैं पढ़ाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को तो मैं हर चैप्टर पढ़ाती हूँ, कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करती। ईच एंड एवरी थिंग, इवन फ्रॉम द बुक, बुक की लाइन्स, फेडरल, एवरी थिंग, लाइक ईच एंड एवरी थिंग आई टीच ईच एंड एवरी थिंग। तो मैं आपको यही कहूँगी, यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी थिंग फ्रॉम द केमिस्ट्री वन, केमिस्ट्री टू, हर चीज़ याद करनी, कोई चीज़ नहीं छोड़नी। बट माई मोटो टू मेक दिस वीडियो इज़ टू टेल यू द इंपॉर्टेंस ऑफ चैप्टर। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है उन पर आपका फोकस ज़्यादा होगा, जो कम इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनके ऊपर आपका फोकस कम होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके ऊपर आपका फोकस ही ना हो। ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री वन एंड केमिस्ट्री टू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं पढ़ाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, लाइक जो मेरे पास पढ़ती हैं एमडी कैट की स्टूडेंट्स, उनको मैं एक एक चीज़ पढ़ाती हूँ। मैं आप लोगों को ये प्रेफर नहीं करूँगी कि आप लोग सारी चीज़ें नहीं करें, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो करें। यू हैव टू डू ईच एंड एवरी थिंग, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रहें, उनकी बुक को, लाइंस को ज़्यादा देखें। जो अनइम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको एक बार रीड करें। पीएमसी आउट ऑफ क्वेश्चन दे रहा होता है, सो आई वुडेंट प्रेफर यू गाइज, यू डोंट हैव टू इवन फॉलो द सिलेबस। मैं भी सिलेबस फॉलो कभी नहीं करा, ना ही अपने स्टूडेंट्स को करवाया है। तो मैं आपसे भी यही कहूँगी, यू डोंट हैव टू फॉलो सिलेबस, गो फॉर फुल केमिस्ट्री वन एंड केमिस्ट्री बुक, बट यू नीड टू नो अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर, ईच एंड एवरी थिंग। इंपॉर्टेंस का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जो चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे तीन चार एमसीक्यूज एक चैप्टर से आते हैं, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसको अपने पूरा करना है कम्प्लीटली विद ऑल एमसीक्यूज एंड बुक लाइंस। इफ़ यू डोंट हैव द बुक लाइंस, यू कैन आस्क मी, आई विल अपलोड द बुक लाइंस एज वेल। और डाउ ग्रेड की सीरीज़ इंशाल्लाह हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। आई वॉज गेटिंग अबाउट मैसेज अबाउट द डाउ ग्रेड सीरीज़, के पास पेपर्स की डाउ ग्रेड सीरीज़ आप कब शेयर कर रही हैं। तो येस, वी विल स्टार्ट डूइंग सीरीज़ एक साथ ही इंशाल्लाह, 10 to 12 सीरीज़ आई डू हैव, तो वो मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगी विद एक्सप्लेनेशन एंड ईच एंड एवरी थिंग। तो या सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट केमिस्ट्री वन फर्स्ट एंड देन केमिस्ट्री टू, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो अभी हम करने लगे हैं पार्ट वन केमिस्ट्री। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पार्ट वन केमिस्ट्री के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम है, देन द सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट, एंड देन एटॉमिक स्ट्रक्चर से थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं, और थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर बहुत इंपॉर्टेंट, एटॉमिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट, इवन केमिकल बॉन्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप बोलेंगे सारे इंपॉर्टेंट बता दिए, बेसिकली केमिस्ट्री पार्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो लीस्ट इंपॉर्टेंट, लाइक जो सेकंड नंबर पे आ रहे होते हैं, जो सेकंड नंबर पे आ रहे हैं, वो हमारे पास चैप्टर वन है। चैप्टर वन इज़ नॉट एज मच इंपॉर्टेंट, जस्ट फॉर इंपॉर्टेंट फॉर द, इसके अंदर से एमसीक्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, लाइक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस। तो न्यूमेरिकल के लिए आपने करना है अच्छे से। और दूसरी और चीज़, और कौन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड आते हैं, इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स, और इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स से बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं, और केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसको भी आपने सेकेंड प्रायोरिटी में करना है, लाइक इसको नहीं, इसको फर्स्ट में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। लेकिन जो चैप्टर टू, जब चैप्टर एट है, उसे आपने बहुत अच्छे से करना है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल्स, इसके अंदर से न्यूमेरिकल्स बनकर आते हैं। एंड असल में केमिस्ट्री का पार्ट वन सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स लाइक चैप्टर फोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चैप्टर फाइव में से कुछ आता है, एक्सो और एंडो की चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइट में से कुछ आता है, लाइक सॉल्यूशन वाला पार्ट नहीं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और सो बेसिकली सभी करना है, क्योंकि मैं तो कि सबको यही कहती हूँ सब करना है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दे आर 2, 3, 4 and 6 and 7। बाकी केमिकल काइनेटिक्स से क्या आता है मैंने आपको बता दिया, न्यूमेरिकल्स आते हैं, और जो चैप्टर वन है इससे भी न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन थ्योरी के अकॉर्डिंग मैंने आपको चैप्टर्स बता दिए हैं। ओके, आई टोल्ड यू अबाउट द केमिस्ट्री वन के टॉपिक्स, बट इट डजेंट मीन दैट कि दिस चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट, जस्ट एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी, यू हैव टू डू ईच एंड एवरी चैप्टर, बट दीज चैप्टर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रेफर देम मोस्ट एज कम्पेयर टू द अदर चैप्टर। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट केमिस्ट्री पार्ट टू। केमिस्ट्री पार्ट टू के अंदर तो एक चीज़ याद कर लें, ऑर्गेनिक तो इतनी इंपॉर्टेंट है जितना पूरा एमडी कैट इंपॉर्टेंट है।
तो ऑर्गेनिक के जो चैप्टर्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, उन्हें तो आपने अच्छे से करना है, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रही। बाकी अगर आपको ऑर्गेनिक मुझसे पढ़ना है सो आई कैन मेक वीडियोज़ ऑन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका भी हम ऐसे कर सकते हैं कि एक सेशन रख लेते हैं 15 डेज़ का सेशन या कुछ इस तरह करके, तो उसके अंदर हमारा ये पूरा कंप्लीट हो सकता है आराम से। ऑर्गेनिक के अंदर से मैं आपको कुछ भी नहीं छोड़ने का कहूँगी, ईच एंड एवरी थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री पार्ट टू का ऑर्गेनिक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट उसके अलावा क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आपका चैप्टर 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चैप्टर 5 समझें, इसमें से आपके पक्के 3 MCQs कन्फर्म्ड हैं, और स्पेशली इसके जो कलर और जो ट्रांजिशन जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके अंदर से डी ब्लॉक एलिमेंट के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको ये डी ब्लॉक मुझसे पढ़ना हो या कोई भी चैप्टर जो आपको मुश्किल लग रहा हो, यू कैन आस्क मी। और ये तो सॉरी फर्स्ट ईयर का चैप्टर है, एंड ये भी फर्स्ट ईयर का चैप्टर है, इसके अंदर से डी ब्लॉक एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और एस एंड पी ब्लॉक इंपॉर्टेंट हैं, ईजी भी हैं, सही। उसके अलावा जो वेरी लेस इंपॉर्टेंट हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन केमिस्ट्री इज़ नॉट एज मच इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी यही कहूँगी कि आपने पढ़ना ज़रूर है। एंड नेवर टू फॉलो द PMC सिलेबस काइंडली, इफ़ यू आर गोइंग टू फॉलो द PMC सिलेबस तो फिर आप सोच लें कि आप उन्हीं में से होंगे जो बच्चे कह रहे होते हैं कि पेपर जो है वो आउट आए। पेपर आउट आता है, हमेशा आता है, आपको इसके अकॉर्डिंग प्रिकॉशंस लेने हैं। और जो दूसरा केमिकल इंडस्ट्रीज़ दे आर इट्स नॉट एज मच इम्पॉर्टेंट, बट लाइक थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना भी नहीं है। तो ये सब कुछ क्या है हमारे पास सेकेंड प्रायोरिटी के अंदर आपने रखना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द केमिस्ट्री पार्ट टू। दूसरी बात ये कि अगर किसी को कुछ भी मुझसे पढ़ना है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं सोच रही हूँ सेशन, अब मैं आपकी तरफ से रिस्पॉन्स देखूँगी आप कितना रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो उसका हम ये कर सकते हैं कि अगर स्टार्ट कर दें तो डाउ ग्रेड्स का करना है पहले, तो देन हम ऑर्गेनिक की तरफ भी मूव ऑन कर सकते हैं। बाकी इफ़ समवन इज़ इंटरेस्टेड टू हैव ट्यूशन क्लास फ्रॉम मी, तो मैं इंडिविजुअली जो है वो बैच बनाकर ट्यूशन क्लासेस देती हूँ और मैं दूंगी इंशाल्लाह। सो इफ़ यू आर इन तो मुझे बताइएगा, बिफोर दिस आई विल गिव द डैमो, एंड ऑफकोर्स डैमो देकर ही आई विल कंटिन्यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। और जो फीस क्राइटेरिया है ये सब कुछ अगर आपको पता करना हो देन आई विल लेट यू नो, एंड इंशाल्लाह सून आई विल मेक द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट केमिस्ट्री 1 एंड केमिस्ट्री 2 के ऑल द टॉपिक्स एंड चैप्टर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MDCAT 2023 एंड ऑल्सो फॉर 2024 एंड वर्ट्स एवर, क्योंकि ये चैप्टर्स वो हैं जिनके ऊपर ज़्यादा फोकस जो होता है हमारा और PNC का। सो दिस ऑल यू हैव टू लर्न दिस चैप्टर्स फर्स्ट, इनको प्रायोरिटी वाइज आपने याद करना है, ये चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको चैप्टर को अपने रट लेना है जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। उसके अलावा जो एक्सेप्शनल कोर्स चैप्टर्स हैं वो आप एक दिन में एक चैप्टर भी करते हैं तो आपका आराम से हो जाएगा। So this is all about how you have to learn about the chemistry, and they are the very important chapter of the chemistry. This is all about the important chapters of chemistry. If you haven't subscribed my channel, subscribe my channel, and if you have any query, you can ask me in the comment section. You can also contact me on Instagram. My Instagram is Nadia Nadeem. So this is all about my video. Allah Hafiz, take care.